मैं सेल्फ मोनिका जट मैं आप सभी का मेरी यूट्यूब क्लास द लर्निंग लैब पर स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी को जो है वर्तनी जो हमारा हिंदी का एक टॉपिक है उससे जुड़े हुए जितने भी IMP ऑब्जेक्टिव है मैं आपको क्लियर करवाऊँगी। हमने पिछली क्लास में जो हमारी वर्णमाला थी उसके सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए थे और हिंदी के कुछ तथ्य भी थे वो भी सारे क्लियर कर लिए थे। अब हमारी वर्तनी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यह हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। इसके चार ऑप्शन हैं, उन्नति, अन्नति, अनति, उन्नति। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उन्नति वाला, ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव, यहाँ रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। अब इसमें से बताइए दुर्गम कौन से वाला सही है? पहला ऑप्शन दुर्गम, दूसरा वाला दुर्गम, तीसरा वाला दुर्गम या चौथा वाला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला या दुर्गम, ठीक है। फिर हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो पहला अन्वेषण, दूसरा अन्वेषण, तीसरा अन्वेषण, चौथा अन्वेषण, चारों है अन्वेषण लेकिन सही क्रम में कौन सा लिखा हुआ है? पहला ए वाला अन्वेषण, ठीक है। अब हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इनमें जाह्नवी, ठीक है, चार बार लिखा हुआ है, अब इनमें से कौन सही अक्षरों से मिलकर बना हुआ है इसका हमें जो है राइट करना है, मतलब चयन करना है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा चारों में से सी वाला जो जाह्नवी है वो सही है, ठीक है। अब हमारा पांचवा ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी हमें एक शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला अधोपतन, ये वाला सही है, या बी वाला अधःपतन, ये वाला सही है क्योंकि इसमें विसर्ग आ गया है, ठीक है। अब या फिर सी वाला अधपतन, या फिर डी वाला अधपतन, तो इसका जो सही आंसर है वो अधपतन, ठीक है, सी वाला हमारा जो है सही है। फिर हमारा छठा ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि या सृष्टि, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा वाला सही है? तो जो सी वाला सृष्टि है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा सातवां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें पहला कृप, दूसरा कृपा, तीसरा कृपा, चौथा कृपा, तो इसका सही आंसर कौन सा होएगा? कृपा वाला, ठीक है। अब हमारा आठवां ऑब्जेक्टिव, इसमें भी हमें एक शुद्ध वर्तनी चूज करनी है इन सभी में से, ठीक है। तो पहली है तहसीलदारी, या फिर दूसरी तहसीलदारी, या फिर तीसरी वाली तहसीलदारी, या फिर चौथी वाली तहसीलदारी, तो इसका सही वाला आंसर जो है तहसीलदारी वाला, यानी कि ए वाला सही है, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा नवा ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें चार ऑप्शन है, मैं आपको अलग अलग बता, अपकृति, दूसरा वाला अपकृति, तीसरा वाला अपकृति, चौथा वाला अपकृति, तो इसका जो सही आंसर है वो है अपकृति, यानी कि बी वाला इसका राइट आंसर है। अब हमारा दसवां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें है पहला छ, दूसरा छह, तीसरा छह, चौथा वाला छ, तो इसका सही आंसर है छ, ठीक है, पहला वाला ए वाला। अब हमारा ग्यारहवां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से बताइए कौन सा तरुण सही है, तरुण, तरुण या फिर तरुण, या फिर तरुण, तो इन चारों में से कौन सा वाला सही है? तरुण, ठीक है, ण वाला तरुण, ठीक है। अब इसके बाद में ए वाला इसका ग्यारहवा का सही हो गया ना। अब बारहवा ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसके भी चार ऑब्जेक्टिव हैं, कुमुदनी, कुमुदुनी,
कुमदिनी कुमदुनी, ठीक है। अब इसका सही आंसर है सी वाला कुमुदिनी, इसका सी वाला जो है राइट आंसर है। अब हमारा 13वां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें बताना है ये बर्तन सही है, बर्तन सही है, बर्तन सही है या फिर बर्तन। तो हमारा नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, बर्तन बोलते हैं, तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा एकदम करेक्ट है। अब हमारा 14वां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला प्रतिष्ठा, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा प्रतिष्ठा, चौथा प्रतिष्ठा। तो इसका राइट वाला जो आंसर है वो है प्रतिष्ठा, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा 15वां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है पहला वाला मृत्युंजय, फिर दूसरा वाला मृत्युंजय, तीसरा वाला मृत्युंजय, चौथा वाला मृत्युंजय। तो इसका राइट आंसर है मृत्युंजय सी वाला। 16वां वाला ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला अस्पर्शिता, दूसरा अस्पर्शियता, तीसरा अस्पर्शियता, चौथा वाला अस्पर्शियता। तो इसमें से राइट कौन सा है, बी जो है राइट है, अस्पर्शियता, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा 17वां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें शताब्दी है, तो देखकर बताइए कि कौन सी वाली सही है। इसमें चार ऑप्शन है, शा वाली मतलब कि ये वाली शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या शताब्दी। तो इसका है शताब्दी सही वाला, यानी डी वाला जो आंसर है इसका एकदम करेक्ट लिखा हुआ है ये वाला। अब हमारा 18वां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रोदोष, तीर्दोष, त्रिदोष या त्रदोष। तो इसका जो आंसर है वो सी वाला करेक्ट है, त्रिदोष, ठीक है। अब हमारा 19वां ऑब्जेक्टिव, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो औद्योगीकरण है वो कौन सा वाला सही है। तो इसमें पहला है उद्योगीकरण, औद्योगीकरण दूसरा वाला, तीसरा वाला औद्योगीकरण, चौथा वाला औद्योगीकरण। तो इसका सही आंसर है औद्योगीकरण, ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर है। अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है 20वां वाला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें चार ऑप्शन है, परिणीति, परिणीति, परिणीति या परिणीति। तो इसका ए वाला जो आंसर है परिणीति, वो वाला हमारा आंसर राइट है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं और हमारी क्लास बाय टू बाय लगती रहे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।